इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं, तो मैं दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ। तालियां बजा कर इनका स्वागत करेंगे हम सब। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे सावित्रीबाई फुले, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे भारत के शहीदों। किसान आंदोलन की प्रभाव के बिना विधायक विनोद भ्याना लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। यह तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं, मंडी सैनियन हाँसी से विधायक विनोद भ्याना आज महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण करने पार्क में पहुंचे हैं। ये खबर आ रही है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें उनके साथ भाजपा के नेता नगर पार्षद अशोक ढालिया, समाज सेवी सेठ श्याम सुंदर सानी, महंत सागरनाथ महाराज, पार्षद प्रतिनिधि सोनू बिडलान, पार्षद प्रतिनिधि सुनील मंत्री, पार्षद मीनू मोवाल, समाज सेवी नवीन ठाकुर। मंच का संचालन रामकुमार सानी ने किया। आपको बता दें कि समारोह में चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सानी व रिंकू सानी मौजूद थे। देखिए किस प्रकार फूलमाला पहना रहे हैं, आपको साफ तस्वीर में दिखा रहे हैं। विधायक विनोद भ्याना मंच पर है, मूर्ति का अनावरण किया गया है। अब लेकर मूक मानस मस्कर आया, आज जो है जो हमारी कल्पनाएं थी वार साकार। नगर परिषद आशी भाई सुंदर श्याम सुंदर श्री राम कुमार जी और श्री विनोद भ्याना जी तथा बिजलान शुरू से ही इस खांचे को बनने में लगे हुए थे। आज ये गुलगुलजार हो गया। चश्मदीप गवाह है, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस बहुत बढ़िया अवसर के हम चश्मदीद गवाह बने और हमें महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नतमस्तक होने का मौका मिला, उनके जीवन को समझने का मौका मिला, उनके दिल में जो इच्छाएं थी उन इच्छाओं को जानने का मौका मिला। सही मायने में अगर उनकी इच्छाओं को जहां हमने जानने का प्रयास किया, उनकी इच्छाओं को अगर हम अपने जीवन में ढालने का इंतजाम करेंगे, ढालने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से ये समाज बदल जाएगा। तो आज मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज अपडेट देते हैं कि हाँसी के विधायक विनोद भ्याना लगातार गांव हो शहर हो लगातार दौरे कर रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, फिर भी दिखा रहे हैं विधायक विनोद भ्याना किस प्रकार आज महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे हैं, लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे किस कैसा लगा आज, किस प्रकार ये यहाँ पहुंचे हैं। मैं साहब सबसे पहले आपका रहना पोल खोलू में स्वागत है जी। ललित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपके इलाके में आज एक बहुत बड़ी नेक आत्मा जिन्होंने इस संसार को जीने का मार्ग सिखाया और महात्मा ज्योतिबा फुले की पावन जयंती पर यहाँ इस इलाके में एक हमने नए पार्क का स्वर्ण जयंती पार्क महात्मा ज्योतिबा फुले स्वर्ण जयंती पार्क का उद्घाटन किया। जहाँ हमने पार्क का उद्घाटन किया वहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण हुआ। मैं समझता हूँ कि इस पार्क से जहाँ लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, लोग घूमेंगे फिरेंगे और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे, उसके साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नतमस्तक होने का मौका मिलेगा। उनके जीवन में किए गए समाज सुधारक प्रयासों का कि हम जिक्र करेंगे और आपस में लोग बैठ के चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पे ऐसे ऐसे महान आत्माओं की मूर्तियों की स्थापना इसलिए होती है ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। तो आज इस इलाके को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण हुआ और यहाँ एक बहुत बढ़िया पार्क जो कि नगर परिषद के प्रयासों से बना उसका आज उद्घाटन हुआ। विधायक जी एक बताइएगा, जो रामनिवास सानी जी ने कुछ डिमांड रखी है, कुछ सुझाव रखे हैं। उन्होंने जो दो मेन बातें रखी हैं, एक तो इस इलाके में स्कूल की बात, निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि इस इलाके में स्कूल की एक ज़रूरत है और विशेष तौर पे हमारी बच्चियों के स्कूल की, लड़कियों के स्कूल की, अगर इस इलाके में कोई स्कूल खुलता है निश्चित तौर पे हमारी इस इलाके की लड़कियों को बड़ा फ़ायदा होगा
और वो शिक्षा के क्षेत्र में दो कदम आगे बढ़ेंगी। और जब कोई कन्या पढ़ती है तो उससे समाज में बहुत बड़ी सरकार की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जगह फिट बैठती है, तो निश्चित रूप से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वहाँ कोई अच्छा स्कूल खोलूं। विधायक जी, आप यहाँ कार्यक्रम में आ रहे हो, यहाँ के जो चेयरमैन है वो मौके पर मौजूद नहीं है, यहाँ की नगर पार्षद सुदेश बिडलान है वो भी मौके पर मौजूद नहीं है, सिर्फ प्रतिनिधि आए हैं। ऐसा है, आप जो चेयरपर्सन हैं वो महिला हैं, और जब किसी के घर अपने घर काम काज में उनकी सेवा भाव में व्यस्त होती है तो उनके प्रतिनिधि के रूप में विनोद सैनी जी और रिंकू सैनी जी दो हाजिर हैं। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि वो जो इसकी पार्षद हैं उसके प्रतिनिधि सोनू बिरलान जी हमारे बीच में हाजिर हैं। तो आज इतने सारे मेहमान इनके घर में आए हैं तो वो चाय पानी का प्रबंध कर रही होंगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।